कूलर से नहीं होगा, अभी दो कूलर लगेगा क्योंकि ये स्लिप मार दिया, वेलकम बोर्ड में फंस जाएगा। इसके लिए अपना 26 फुट हाइट है, 26 फुट माल लेके जाएगा तो वेलकम बोर्ड में फंस जाएगा। इसके लिए ये साइड से घुमा के लेके जा रहा था, तो ये कूलर का जो टायर है पूरा देखो घिस गया, मिट्टी नरम है, इसके लिए लेके जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये कूलर से नहीं होगा। अभी दो कूलर लगेगा क्योंकि ये स्लिप मार दिया है, पूरा मिट्टी है, इधर नरम है, खोद दिया है। अरे देखो टायर सब पूरा दिख रहा है, और उधर था कूलर, अभी कूलर उधर से खोल के इधर लगा दिया है, फिर भी नहीं हो रहा है। अभी और एक कूलर आएगा फिर टोसन करके, फिर हो सकता है, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे निकल जाएगा झारखंड। तो देखो आप लोगों का दिखाता हूँ, इधर कूलर लगाया था, कूलर ने सब खोद दिया है, लकड़ा मकड़ा लगाया था, देख लो इधर लकड़ा पकड़ा डाला था फिर भी हुआ नहीं है। इधर देखो लकड़ा डाला था फिर भी नहीं हुआ है। इधर साइड से रास्ता बना हुआ, हाई वे वाला रास्ता बना रहा है, लेकिन रास्ता भी रेडी नहीं हुआ, इसके लिए गाड़ी इधर से लेके जा रहा था, नहीं तो ये वेलकम बोर्ड खोलना पड़ता, लेकिन ये वेलकम बोर्ड खोला नहीं है, वेलकम बोर्ड नहीं खोला है, साइड से लेके जाएगा यही सोच रहा था तो गाड़ी फंस गया। कल रात को हम लोग जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया, फंस गया गाड़ी। तो आज देखते हैं दूसरा कूलर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे निकल जाएगा। तो हम लोग झारखंड जाने वाला हूँ, तो ये पारादीप, उड़ीसा पारादीप से जा रहा है झारखंड टट्टा जमशेदपुर। देख लो माल कैसा है, ये शायद सीमेंट फैक्ट्री का ही माल है, और इसमें बहुत वायर लगता है, वेलकम बोर्ड जो भी है खोल के जाना पड़ता है। अरे हाईवे रोड है, पारादीप जा सकता है इस रोड से, और 10 एक्सेल पे लोड है, देखो 80 टायर है, और ये कूलर का 10 टायर है, टोटल 90 टायर हो गया है, और कूलर का हॉर्स पावर 400 हॉर्स पावर है, बालाजी रोड कैरियर महाराष्ट्र का गाड़ी है। तो क्या है, मिट्टी नरम है, इसके लिए जा नहीं पाया, खींच लिया, टायर स्लिप मार दे रहा है, इसके लिए इंजन ने खींच के लेके जा नहीं पा रहा है। देख लो आप लोग, अरे बम बम सब रख दिया है, टावर बम्बू। तो अभी धूप निकला है, धूप नहीं था। और एक्सेल कैसा आप लोगों का वो भी दिखा रहा हूँ, देखो कैसा माल लोडिंग है।